ऐश्वर्या राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे झारखंड की सियासत के बारे में। जैसा कि सभी जानते हैं कि झारखंड में इस वक्त मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। विधायकी इस वक्त दाव पर लगी हुई है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की। दरअसल विपक्ष की तरफ से यहाँ पर मांग की गई है कि विधायकी को रद्द किया जाए। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के चलते हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और राज्यपाल रमेश बैंस को अब चुनाव आयोग ने जो पत्र भेज दिया है और उस पत्र में बंद लिफाफे में जो कुछ भी लिखा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, अब तक उस फैसले को सुरक्षित किए हुए हैं राज्यपाल। आखिरकार वह चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, क्यों कोई फैसला नहीं लिया जा रहा है? हेमंत सोरेन की विधायकी और मुख्यमंत्री का पद जो दाव पर लगा हुआ है, बहुमत यहाँ पर उनको मिल चुका है और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि वह इस्तीफा तो नहीं देंगे। आज हम चर्चा करेंगे इसी मामले पर। हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी आसिफ जी। आसिफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि हेमंत सोरेन ने अपनी सत्ता को बचाए रखने, सत्ता में अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए क्या कुछ किया है, तो आप इसे किस नजरिए से देखते हैं फिलहाल बीजेपी की जो रणनीतियां हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर दाव खेलती हुई नजर आ रही है कि अब मुख्यमंत्री उनकी पार्टी का होना चाहिए? जी शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक सत्ता को बचाए रखने की बात है, देखिए सत्ता उन्होंने बीजेपी की तरह नहीं किया जो आज गोवा में हुआ है कि 8 विधायकों को शामिल करवा लिया। देखिए, बीजेपी हमेशा से यही कोशिश करती रही विधायकों को खरीदो और सरकार बनाओ, लेकिन हेमंत सोरेन का जब आप बात करते हैं भाई, वो उनको जनता चुनकर भेजी है, जनता ने आज उन्हें महाराष्ट्र का जो है झारखंड का माफ़ कीजिए CM बनाया है, और जब चुनकर जनता भेजती है तो ये कामयाबी नहीं, बहुत शानदार कामयाबी होती है। और इसी को नाकाम साबित करने के लिए, उनको तोड़ने के लिए जो है बीजेपी ने क्या क्या ना किया, हम सब ने देखा पिछले एक महीने से। कांग्रेस के विधायकों को फंसाने की कोशिश की, JJM के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की, और यही वजह है कि उनका फिर उन्होंने विधायकों को किस तरह से बचाया, तो अच्छी बात है ना, इसमें बुराई कहाँ है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त उन्होंने अपनी कुर्सी नहीं बचाई है, क्योंकि कुर्सी तो वो उसी दिन उसका बचा हुआ था जब जनता ने बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब दिया और हेमंत सोरेन को चुन लिया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये काम किया है कि बीजेपी के मंसूबे पे पानी फेर दिया उन्होंने, दरअसल बीजेपी के रणनीतियों को नाकाम साबित कर दिया। उन्होंने बता दिया कि आपकी जो नीयत ख़राब है ना, वो झारखंड में नहीं चलने वाली है। तो मैं यहाँ पे हेमंत सोरेन जी का तारीफ करना चाहूँगा, उनकी तारीफ इसलिए करना चाहूँगा कि आज जो एक देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है, जो इतने निचले स्तर तक गिर गई है, वो जो है आज उसे कैसे उन्होंने मुकाबला किया, ये एक शानदार बात है। और आज उनकी कुर्सी अब चली भी जाती तो मुझे लगता है उनको इतिहास में याद रखा जाता कि देखिए, जो एक पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, एक छोटी सी पार्टी को तोड़ने के लिए क्या क्या ना किया, लेकिन फिर भी वो अपनी कुर्सी को बचा लिए, तो एक कामयाबी से कम नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, और इसीलिए मैं उनकी तारीफ भी कर रहा हूँ। बात यहाँ पर अगर की जाए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले के बारे में, तो इस मामले के चलते हेमंत सोरेन की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आई। दरअसल आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा मामला जब कोई व्यक्ति सरकार की तरफ से किसी भी सुविधा या लाभ को उठा रहा है, तो उस वक्त ऐसे में सदन का सदस्य नहीं वह रह सकता है। वहीं यहाँ पर एक साथ दो जगह पर लाभ वह नहीं ले सकते हैं, और इसी मामले के चलते हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। फिलहाल देखा जाए, बात यहाँ पर विधायकों के बारे में की जाए, तो क्या बीजेपी यहाँ पर अब पूरा फायदा उठा सकती है? जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने अलग अलग जगह पर अपने विधायकों को भेज दिया, महाराष्ट्र की राजनीति और झारखंड की राजनीति इस वक्त देखा जाए तो सेम ही नजर आती है आसिफ जी, तो आपको क्या लगता है, जब रायपुर और जयपुर उन्होंने अपने विधायकों को भेज दिया, तो क्या यहां पर महाराष्ट्र की राजनीति की तरह ही सब कुछ आप सभी को भी देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ बीजेपी क्या यहां पर जीत हासिल करने में कामयाब साबित होती हुई नजर आएगी? हाँ, ये देखिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या बीजेपी जो है कामयाबी पाते नजर आएगी। देखिए, जहाँ तक जिस तरह से जनता ने हेमंत सोरेन को चुना और उसके बाद से उलटफेर की जो तस्वीरें सामने आई, वो एक चिंताजनक रही हैं। अब बीजेपी 2024 का भी विधानसभा लोकसभा चुनाव होने हैं, फिर आगामी विधानसभा चुनाव भी होंगे, तो इसके मद्देनज़र बीजेपी का अब अगला गेम प्लान क्या होगा, क्या वो पिछले जैसा होगा या कुछ बदलाव आएंगे, CM का चेहरा कौन सा होगा, उनकी रणनीतियाँ क्या होंगी, क्या वो हेमंत सोरेन को जो है फीकी कर पाएंगे, क्या उनसे मुकाबला कर पाएंगे, ये एक सवाल रहेगा। तो बिल्कुल देखना होगा। देखिए, बीजेपी के लिए हालांकि ये सब चीज़ टफ नहीं है, लेकिन चुनाव में जीत कराना ये उनके लिए टफ हो गया, अब खास करके बिहार में, खास करके पंजाब में, दिल्ली में और झारखंड जैसे राज्यों में, क्योंकि वहाँ उनका जो है अब नहीं चल रहा है, उनका लहर ख़त्म हो गया, लोग उनको अब इग्नोर कर रहे हैं।
तो आप भले ही पैसे के बदौलत, सत्ता के बदौलत विधायकों को खरीद लेंगे, लेकिन जनता को नहीं खरीद पाएंगे। तो इस बात को याद रखना चाहिए। तो ये कि उनके लिए चुनौती है, ये भी नहीं कह सकते नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं अगर वो ईमानदारी से काम करेंगे। तो बात यहाँ पर अब करेंगे राज्यपाल के बारे में, आखिरकार राज्यपाल के फैसले में इतनी देरी क्यों हो रही है। और दूसरी ही तरफ हेमंत सोरेन के भाई जो दुमका से विधायक है बसंत सोरेन, उनकी विधायकी भी इस वक्त दांव पर लगी हुई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने यहाँ पर दोनों ही फैसले राज्यपाल पर ही सौंप दिए हैं। राज्यपाल हाल ही में दिल्ली पहुंचे थे रूटीन चेकअप के लिए, लेकिन दावा किया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी से भी वह मुलाकात करेंगे। तब से यहां पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के समक्ष में यह फैसला लिया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने फरवरी के महीने में राज्यपाल, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन के खनन कंपनी में भागीदारी होने को लेकर यहाँ पर सवाल खड़े किए थे, शिकायत कर दी थी। और वही दूसरी ही तरफ राज्यपाल ने इसी आधार पर चुनाव आयोग से सलाह भी मांगी थी। तो अब देखा जाए तो उन्हें यहाँ पर सलाह मिल चुकी है। बात यहाँ पर करेंगे उस बंद लिफाफे के बारे में। आखिरकार आपको क्या लगता है आसिफ जी, उस बंद लिफाफे में आखिरकार चुनाव आयोग की तरफ से फैसला क्या कुछ आया होगा? देखिए, बंद लिफाफा हो या फिर खुला लिफाफा, ये मतलब नहीं रखता है। चाहे सुप्रीम कोर्ट का मामला हो या फिर चुनाव आयोग का, ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ, ये कयासों के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसके हक में फैसला आ सकता है। देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग का जो इंटेंशन रहा है, जिस तरह का उनका कामकाज रहा है, वो हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद से कहीं ना कहीं उनके कामकाज में शक पैदा हुआ है। क्योंकि देखिए, बहुत जगह ईवीएम भी पकड़ा गया, बहुत जगह गैर जिम्मेदाराना बयान भी दिया गया, फिर चुनाव के वक्त कोरोना प्रोटोकॉल का भी फॉलो नहीं किया देश के गृहमंत्री अमित शाह जी ने, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। और वही विपक्ष के नेता जब करते तो उन पर कार्रवाई होती है। तो चुनाव आयोग के कामकाज पर भी सवाल उठे हैं, जो उनकी जिम्मेदारियाँ थी कि इन सब चीज़ों को दुरुस्त करें। दूसरी बात, अब हम सब ने देखा कि विपक्ष के नेताओं पर किस तरह से कार्रवाई हुई है। तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता पे कैसे लोग विश्वास करें, ईमानदारी से विश्वास करें, उन पे खड़े उतरना, ये उनका काम था, जो नहीं हुआ चुनाव आयोग की तरफ से। अब जहाँ तक सवाल है कि झारखंड पे हमारा अब चर्चा कर रहे हैं, तो देखना होगा कि चुनाव आयोग का फैसला क्या आता है। अब देखिए, जिस तरीके का सबूत है, जिस तरीके का पकड़ है हेमंत सोरेन का, तो मुझे लगता है कि उनके पक्ष में आएगा। आगे आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि आखिर चुनाव आयोग का फैसला क्या होता है। लेकिन जिस तरीके के पास उनके पास है सबूत दलीलें, तो मुझे लगता है कि उनके हक में आ सकता है। हमारा आपसे अंतिम सवाल यही रहेगा आसिफ जी कि आने वाले समय में क्या वाकई में यहां पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, और क्या वाकई में झारखंड में अब मुख्यमंत्री बनती हुई कोई महिला नजर आ सकती है? बहुत ही कम शब्दों में आप जवाब दे सकते हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, राजनीति में इस्तीफा देना मैटर नहीं रखता है, मैटर ये रखता है कि क्या वो इस्तीफा किस वजह से दे रहे हैं। कि इसलिए तो नहीं दे रहे हैं कि उनके विधायक कहीं चले गए हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे का हाल हुआ है, तो उनके ही परिवार से या उनके ही पार्टी से कोई बनेगा तो खुशी की बात है। और पार्टियों में कोई किसी को चुन सकता है। देखिए, पहले पीएम मोदी सांसद हैं, और जितने भी सांसद कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, ये तो पार्टी को चुनने का मैटर है। तो मुझे नहीं लगता कि इस्तीफा का कोई मतलब इतना है। अगर वो नहीं होंगे तो कोई महिला ही हो जाए, अच्छी बात है कि किसी राज्य की महिला तो है, जैसे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी है। जैसा कि आसिफ जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, फिलहाल देखा जाए तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार अब झारखंड में कितने बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है। हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, शरद पवार और साथ ही साथ अखिलेश यादव, मायावती यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल देखा जाए राज्यपाल आखिरकार इस फैसले को लेने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं, सवाल यहाँ पर यही खड़े हो रहे हैं। लेकिन आपकी क्या राय है झारखंड की राजनीति को लेकर, आप बता सकते हैं कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।